नमस्कार सत्री काल केम छो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द सौरभ शो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर वीकेंड पर आपको देश के ख्याति प्राप्त कलाकारों से मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं, तो आज इस वीकेंड पर भी एक ऐसा ही कलाकार हमसे जुड़ा हुआ है जिसकी मधुर आवाज का हर कोई दीवाना है। हर किसी के लबों पर सिर्फ उसी का नाम है। सो बिना किसी देरी के आपको उनसे मिलाते हैं। सो प्लीज वेलकम द सुपर स्टार, द सुपर एनर्जेटिक, द सुपर सिंगर मिस्टर अविनाश सिंह। अविनाश जी, हमारे शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सौरभ। अविनाश जी, यस, हमें बेहद खुशी है कि आपने हम सभी के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। ओह, इट्स माय प्लेजर सर। एक्चुअली खुशी मुझे है कि आपने मुझे देश के इतने प्रसिद्ध प्रोग्राम में बुलाया। ओह, वेलकम वेलकम वेलकम। अविनाश जी, यस, आज इस शो के जरिए हम आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। व्हाई नॉट, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए उन पहलुओं के बारे में जिनके बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं। यस ऑफ कोर्स। तो अविनाश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी परवरिश एक मिडिल क्लास फैमिली से हुई है। यस। सो मिडिल क्लास फैमिली से यहां तक का सफर आपका कैसा रहा? क्या इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या फिर सरलता से ही सब कुछ हासिल कर लिया? सी सौरभ, आई बिलीव दैट जिंदगी में कोई भी लक्ष्य, कोई भी मुकाम बिना स्ट्रगल के नहीं मिलता। सो इसका मतलब? यस ऑफ कोर्स, मेरी लाइफ भी स्ट्रगल से भरी रही है। और मेरा मानना है अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो तो जिंदगी जीने में मजा नहीं आता। यू नो, आपकी जिंदगी के बारे में हम बिल्कुल जानना चाहेंगे। yes. लेकिन उससे पहले, आपका जो आगामी एल्बम है जिसका नाम उमंग है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट सौरभ। अविनाश जी, मेरा पहला सवाल, जो आपका आगामी एल्बम है जिसका नाम उमंग है जी, आपने इसका नाम उमंग ही क्यों रखा है? क्योंकि इट्स अ यूनिक नेम। इट इज एक्चुअली उमंग। यस सौरभ, ये नाम मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर ये नाम ना होता शायद मैं भी ना हूं। मतलब कुछ खास यादें जुड़ी हैं आपकी इस नाम से? यस सौरभ, यस। हमें बहुत बेहद खुशी होगी अगर आप बताना चाहें। व्हाई नॉट, एक्चुअली उमंग ये मेरे पूरी जिंदगी की कहानी है। आज मैं जो कुछ भी हूं इसी नाम के कारण। सौरभ, मैं 16 साल का था बोलो। मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त क्या हुआ?
वो बता रहा था एक स्टेट लेवल उसे कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे 1,000 रुपए चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि नाच गाना छोड़ के अपनी पढ़ाई की ध्यान तो समझे पापा। लेकिन क्या सुने, लेकिन सुनो यह सिर्फ आखिरी बार दे रहा हूं, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा समझे। थैंक यू पापा, बहुत बहुत बहुत। मिश्रा जी, हाँ बोलिए। नहीं नहीं मुझे याद है, मैं आपके सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। नहीं नहीं मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं ना आपको घर आने की जरूरत है, मैं फोन कर लूंगा, मैं समझता आपको पैसे दे दूंगा। देने माँ थोड़ा धीरे गाओ, तेरे को भगवान की भजन से भी दिक्कत है। हाँ भगवान की भजन से दिक्कत नहीं है, पर आप तो थोड़ा धीरे गाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैष्णव जो मैं तो कह रहे अविनाश मस्ती नहीं, यहाँ रख दे। अरे यहाँ रख, समझ नहीं आ रहे। वे क्या कर रही, अविनाश छोड़ दे, मैं मार दूंगी। छोड़ मुझे अविनाश, समझ नहीं आ रहा है। नहीं अब आया समझ, अब आया हेलो हेलो मेरा नाम उमंग है और तुम्हारा लगता है तुम्हारा बात करने का मूड नहीं है। सेब खाओगे? हेलो
अविनाश दास है मेरा। अच्छा अविनाश, एक बात पूछो, अगर तुम बुरा ना मानो तो? नर्स बता रही थी कि तुमने सुसाइड कर लिया। आपने ऐसी क्या वजह तुमने इतना बड़ा मतलब उठा? सारे गधे कहीं के अरे तू मर जल्दी भर पानी में रख तो ये करा मैंने। देखिए संगीत में दो विधा पूरे देश के अंदर गाई जाती है, जैसे आरोह अवरोह।
अविनाश आ गया बेटा, अविनाश कुछ बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है, और फूसे रहो या फोन सपने कान में। क्या बोल रहे हैं? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा, खाना बनाया है जा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आना, खाना लगा देती हो। हाँ हाँ लगा दो, जल्दी हाथ मुंह धो के आ। ठीक है। क्या बड़े रोशन भाई, क्या दिक्कत है? पढ़ाई करो जी। भाई मत करना, भाई तुम समझ नहीं आ रही, क्या हुआ, क्यों छीना? क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, मेरा जी को डिस्टर्ब हो रहा था जी, और वो चल रही है तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? अरे डिस्टर्ब हो रहा तो अंदर जाके पढ़ो ना। देख भाई, मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा गाता है, और मुझे ये भी पता है कि तूने पापा से बिना पूछे म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन की। बताऊ क्या पापा? मैंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन की है, ठीक, और मैंने म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी किया है, और तू देख ये कॉम्पिटिशन तेरा भाई ही जीतेगा। क्या? वो तो ठीक है, पर ये मैं पापा को नहीं पता चली गई। अगर पापा को पता चल गया ना तो तेरी तो खैर नहीं, और तुझे याद होगा ना दादाजी का सपना। दादाजी का सपना यही ना कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बने, माँ बाप का नाम रोशन करे वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे सपनों का क्या, मेरे सपनों का क्या? देख, मैं कोई सरकारी अफसर नहीं बनना चाहता, मैं तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा सिंगर। और ये बात तू कान खोल कर सुन ले। हाँ, बोल 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 बोल। क्या कहा? बहुत जुबान चलने लगी तेरी, जरा फिर से बोल। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे आप? आए नहीं कि चिल्लाने लगे बेटे पर? तुम तो चुप रहो, ये सब हम ना रहते हैं, सटा देखिए अपने आईना में, स्टार बनने चले हैं। स्टार बनने के लिए हुनर चाहिए, अच्छी शक्ल नहीं। क्या कहा? जुबान लगा रहा हूँ। अरे क्या करना, बड़ा हो गया है, आप जाइए अंदर, मैं खाना लेकर आती हूँ, मैं समझाती हूँ। हाँ समझा रहे थे, फालतू में काम छोड़े और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, एक अच्छी नौकरी कर ले और अपने दादाजी का सपना पूरा करे, समझा ऐसे जरा। अविनाश बेटा, पापा की बात समझने की कोशिश कर, बोर्ड आ रहे हैं अच्छे से। बस समझाओ, समझाना है तो पापा को समझाओ। अविनाश बेटा, कैसे तुम बात कर रहे हो बेटा? ना भी कर लो, घर का काम है कि कम। अरे आज आप कब तक नहीं सोए? क्या हुआ जी, आप निराश क्यों हैं? आप बेटे को इतना क्यों डांटते हैं, क्यों गुस्सा करते? गुस्सा नहीं तो क्या उसकी आरती उतारूं? मैं समझती हूँ, लेकिन अभी वो छोटा है, उसको इतनी समझ नहीं है, अभी समय के साथ सब समझ जाएगा। जानते हैं आज मैंने उसकी फेवरेट सब्जी बनाई थी, लेकिन वो बिना कुछ खाए भी ऐसे ही सो गया चुपचाप। देखो हेमा, मैं उसका कोई दुश्मन तो हूं नहीं,
लेकिन उसकी भलाई चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि पढ़ लिख एक अच्छा आदमी बनाई, एक अच्छी सरकारी नौकरी हो। और तुम्हें तो पता ही है हमारे घर की स्थिति, मैं उसकी फिक्र करता हूँ इसलिए उसे डांटता हूँ। आप चिंता क्यों करते हैं? आप चिंता मत कीजिए, मुझे उस पर भरोसा है, वो एक दिन हमारा और हमारे पूरे परिवार का खूब नाम रोशन करेगा। लेकिन बस आप ना उसे डांटना थोड़ा कम कीजिए, बहुत डांटते हैं आप मेरे बेटे को, बेचारा बिना कुछ खाए लिए ऐसे ही सो गया। हाँ हाँ ठीक है, अब सो जाए। हाँ सो जाते हैं। भाई भाई चलो चलो चलो, पापा की बात का बुरा मानेगा, चल खाने दो। नहीं नहीं खाना पड़ेगा, खाना दवाई के लायक तो हूँ। मैं पिछले 10 दिनों से और मैं देख रहा हूँ आज तक आप एक भी दिन दवाई लेने में नहीं थे। ये तो हमारा काम है, लक्ष्मी को लिए दवाई खा लीजिए। अविनाश तुम्हारी तबीयत कैसी है, कोई परेशानी? अविनाश तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुझे आईएएस ऑफिसर बनाओ और तुम चाहते थे सिंह। अक्सर परिवार के आगे हमारे सपने टूट कर बिखर ही जाते। छोड़ो इस बात को, जो शिखा है सिर्फ तुम्हारी है या फिर गर्लफ्रेंड? पहचानो कौन? कौन? जय? नहीं नहीं आशी? अरे तो फिर पक्का नहीं ना? अब तू मुझे पहचान भी लेगा। और ये जया आशी नैना कौन है? जया आशी नैना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। तो जाओ ना उन्हीं के पास जाओ, यहाँ मेरे साथ क्या कर? क्या हुआ, बुरा लगा? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। शिवान तो मजाक कर रहा है, तेरे दिन तो सच में बुरा मान। ठीक है सुनो ना, ठीक है ऐसे सुनो, मेरे पास अगली कुछ है। पहली तुमसे तुमसे
आंखों पे मेरे अब नाम तेरा रहता है, तेरे ख्वाब में ना जाने दिल डूबा हुआ रहता है। दिलदारा वे दिलदारा वे दिलदारा वे। देखो अभी मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो ना शेखा। देखो फाइनल एग्जाम नजदीक है, तुम पढ़ाई के लिए कब सीरियस हो? शेखा एक बार मेरे ये म्यूजिक कॉम्पिटिशन हो जाए उसके बाद मैं दिल से पढ़ाई करूं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शिखा तुम्हारी दोस्त पैदल जा रहा है अविनाश, मेरी भी एक खबर थी वो पर शादी का भी पाल चुकी है। उसके परिवार की मैं पतन ले मेरे परिवार की मदद सुन अपने जो तुमने किए एक बार बताओ अगर मेरा ये कदम उठाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब तो मेरी सारी उम्मीदें आग में जलकर राख हो गई। उस वक्त तो मेरे साथ मां ही नहीं, उस वक्त था मेरे साथ मेरा परिवार। तब मुझे समझ में आया परिवार के अलावा कोई इतना नहीं हो सकता। जब माता पिता तुम्हारी देंगे परिवार एक साथ होगा, भाई तो साथ देगा। नाती है उसमें आपसे मेरे 3 साल के बाप 29 साल के प्यार को तुझे, लेकिन अब मेरे परिवार की खुशी भी बहुत सुन छोड़। अच्छा ये बताओ तुम्हारा म्यूजिक कॉम्पिटिशन कैसा रहा, क्या होगा उसका प्लस क्यों रहा है? मेरा मन बहुत खुरा रहा होगा भाई भाई पिछले एक महीने से देख रही हूँ तुम बहुत टेंशन ले रहे हो। आज रिजल्ट का दिन है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस बार पक्का अच्छे नंबर से पास हो जाओ। अरे इतनी क्या टेंशन ले रहा है उसने? जी पापा। अविनाश 11 बज गई है, जा जल्दी अपने एडमिट कार्ड लेके आओ। अविनाश तुम भी जा। रोशनी बेटा कहाँ जा रही है? ले एडमिट कार्ड और तेरे पापा को दे दे। ये लीजिए पापा। अरे बेटा मुझे क्या दे रही हो, रोल नंबर बताओ। ठीक है 2 4 2 4 6 8 6 8 9 2 9 2 7। क्या हुआ पापा? रोशनी मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ जी? अरे हुआ क्या है, हमारी बिटिया रानी फर्स्ट डिवीजन पास हुई है। 94% मार्क्स आए उसके। मेरी बेटी
हाँ बेटा सच है, मुझे चिल्ले में कहा पिया तुमने। मैं अभी सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ, बेसन की लड्डू बनाए। अरे अरे रुको भगवान जी, जरा हमारे लाडले बेटे का रिजल्ट देख लें, उसके बाद मुंह मीठा करेंगे सब मिलकर। जी जी ठीक है ठीक है। अविनाश तुम्हारा रोल नंबर बताओ। ठीक है बाबू। अरे जल्दी बताओ ना। टू टू फोर फोर सिक्स फाइव सिक्स फाइव डबल वन डबल वन पापा नाइन नाइन आर्य बेटा कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस मजाक कर रहे हैं। बताइए ना जी बेटे का रिजल्ट क्या आया है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कुछ देख लो अपने बेटे का रिजल्ट। अरे मैं बताता हूँ सही है, सारे सब्जेक्ट में फेल हुए, 10, 22, 25, 32, 11 ऐसे नंबर लेके आए। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अरे ना सजा दी है उसे। तुम दूर जाओ यहाँ से, तुम्हारे नतीजे का रोकने का है। परिवार से तो मैं हार ही गया और अपने टीम से दोस्त साथ थे बहुत संभाया करते थे, लेकिन कब तक साथ दे सकते थे वो मैं, अरे तुम भी अकेला ही था तुम भी कौन, लेकिन वो मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं थी, उससे मुझसे कोई रिश्ता रखने में नहीं चाहती थी। मैं हर तरफ से ऐसा लग रहा था मैं हर तरफ से हार गया, पर इसे और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ था अविनाश जी? ना सौरभ, मेरे अंदर जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी। रोमन
मंगने मुझे जीने की एक नई उम्मीद थी। आज मुझे डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। असफलता, अकेलापन, हार जीवन में तो आते जाते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध करो। असल में आत्महत्या कोई रास्ता होता ही नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा अपराध होता है। हमारे जीवन में असफलता, हार, परेशानी इसलिए आती है ताकि हमें मजबूत बना सके, इससे हम जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा कर सके। इसलिए मुसीबतों से लड़ना सीखो, उससे हारना नहीं। ईश्वर ने, माता पिता ने हमें ये जीवन कुछ अच्छा करने के लिए दिया है, नई उम्र के साथ जीने के लिए दिया है। अब तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है, इसे ऐसे जियो, ऐसे जियो कि लोग तुम्हें देखकर जीना सीखे, हंसना सीखे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। Are you okay, Avinash? Yes, I'm good. Yeah, tell me. हाँ, मैं क्या बता रहा था, इसी कारण मैंने सेल्वम का नाम उमंग रखा। अविनाश जी, काफी कठिनाइयों भरा रहा आपका जीवन। इस उमंग नाम में आपकी जिंदगी की पूरी कहानी छिपी हुई है। अविनाश जी, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, सो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो आपको आइडल मानते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं। सौरभ, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। सुसाइड इज अ सिन, ये एक अपराध है। यू नो सौरभ, जिंदगी में कई परेशानियां आती जाती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सुसाइड जैसा कदम उठाए। यू नो, हाँ आई नो, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, अपने अपने सपने होते हैं, और हर कोई उन्हें पूरा करना चाहता है। कोई कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। यदि आप कोई सपना देखते हो और उसे पूरा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ। एंड यू नो, जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उतार चढ़ाव से घबराना नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करना है। यदि आप उतार चढ़ाव का डटकर सामना करोगे और पूरी ईमानदारी के साथ अपने सपने के लिए मेहनत करोगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा, 100% होगा। बिल्कुल, क्या बात कही है आप। अगर जिंदगी में लक्ष्य हासिल करना है तो मेहनत तो करनी ही होगी, और फिर क्या, सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अविनाश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके माता पिता तो चाहते थे कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने, बट आप तो कुछ और ही चाहते थे। So, इस समय जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें कई स्टूडेंट्स तो हैं, और साथ ही साथ उनके माता पिता भी इस ये शो देख रहे होंगे। So, उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? सौरभ, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स के लिए हम क्या कह सकते हैं, यू नो, बट फिर भी जैसा कि हम देखते आए हैं या सुनते आए हैं, हमारी संस्कृति में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, हमारे प्रथम गुरु कहा जाता है, यू नो। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हमारी भलाई के लिए ही तो करते हैं। बस छोटी उम्र में हम उनके प्यार को समझ नहीं पाते और हमारे बीच नहीं बनते, यू नो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें प्यार नहीं करते, वो सिर्फ इस बात से डरते हैं कि उनका बच्चा, उनका उनका जो भी है, वो किसी गलत रास्ते पर जाकर गलत संगत में ना पड़ जाए, इसलिए वो हमें डांटते हैं, फटकारते हैं। बट यू नो सौरभ, हमें डांटने का सबसे ज़्यादा दुख हमारे पेरेंट्स को होता है, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम किसी गलत रास्ते पर ना जाएं। तो हमें भी यही सोचना चाहिए और यही करना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के दुख का कारण ना बने। आई नो, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। यदि आपका कोई सपना है, अपने पेरेंट्स को बताइए, उन्हें बताइए, उन्हें कन्विंस कीजिए कि वो आपका सपना पूरा करने में आपकी मदद करें। और आई एम श्योर, अगर आप अपने ड्रीम को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो वो आपका सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने सपने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। थैंक यू सो मच। अविनाश जी, आपकी बातों ने हम सभी को जीने का तरीका सिखा दिया। आपके संघर्ष की कहानी से मैं नहीं, हम सभी प्रेरित हुए हैं। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच अविनाश जी। अंत में दोस्तों, आप सभी से अलविदा लेने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच शो में बने रहने के लिए।
अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कलाकार के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, राम राम।